आज निफ्टी में काफी उतार और चढ़ाव का माहौल देखने को मिला और आज हम लोग सौदा खरा खरा में समझेंगे कि निफ्टी में आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से प्रॉफिट बुकिंग यहां पर देखने को मिली, और साथ ही किन सेक्टर्स पे आपको फोकस करना है, कौन से स्टॉक्स आपको लेकर चलने हैं, उन पे यहां पर हम लोग बात करेंगे। तो सौदा खरा खरा में सबसे पहले समझ लेते हैं निफ्टी की क्लोजिंग। निफ्टी की क्लोजिंग आज 19,413 पे देखने को मिली, लगभग 30 पॉइंट यहां पर पॉजिटिव रहा। एक टाइम ऐसा था मॉर्निंग सेशन जिसपे निफ्टी और सेंसेक्स बहुत तेजी के साथ थे, और एक टाइम पे निफ्टी 170 पॉइंट यहां पर पॉजिटिव था और निफ्टी ने आज हाई बनाया 19,567 का, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई चली गई और सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में गिरावट रही। सेंसेक्स की क्लोजिंग रही 65,558 लेवल, लगभग 164 पॉइंट पॉजिटिव, फिर भी यहां पर मार्केट क्लोज होने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पर इस मैं अभी जो हालात हैं उसको देखते हुए 44,665 पे क्लोजिंग आया, 25 पॉइंट पॉजिटिव, लेकिन सब में प्रॉफिट बुकिंग ही यहां पर देखने को मिली। खास तौर से इस समय जिस हिसाब से मॉनसून के हालात हैं उसको देखते हुए और कहीं ना कहीं से इन्वेस्टर को अब थोड़ा सा पैनिक आ रहा है, और आज FIIs का भी रुझान यहां पर कम देखने को मिला, जिसकी वजह से निफ्टी सेंसेक्स जो है वो अपने जो बढ़त थी उसको बचा नहीं पाए और थोड़ी से पॉजिटिव नोट में क्लोज जरूर हुए, लेकिन बहुत ज्यादा अपसाइड मोमेंटम नहीं रहा। ऑटो सेक्टर जो एक टाइम पे बहुत तेजी से अग्रेसिव तरीके से पॉजिटिव था, जिसके की बजाज ऑटो, आयशर मोटर, M&M, मारुति, टाटा मोटर्स, ये पॉजिटिव थे, लेकिन बाद में ये भी साथ में नेगेटिव क्लोज होते हुए नजर आए। अब इस समय फोकस करने वाले सेक्टर जो हैं वो हैं बैंक, आईटी और मेटल्स, जिनमें की एक अच्छी तेजी देखने को मिली और अभी भी यहां से तेजी देखने को मिल सकती है। किस सेक्टर को आपको अवॉइड करना है, उसमें आते हैं सीमेंट, FMCG, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी और साथ ही मीडिया और फार्मा सेक्टर से आपको दूरी बनाकर रखनी है, क्योंकि इनमें अभी प्रॉफिट बुकिंग और देखने को मिल सकती है। एक बार टॉप गेनर और लूजर को समझते हैं। TCS टॉप गेनर आज रहा, IT सेक्टर का दिन था, हिंडालको, इंफोसिस, टेक महिंद्रा, बजाज फिनवेस्ट और साथ ही एक्सिस बैंक, ये सभी पॉजिटिव नोट पर क्लोज होते हुए नजर आए। लूजर्स की बात कर लेते हैं तो पावर ग्रिड, गेल, कोल इंडिया, इंडिया बुल फाइनेंस और मारुति, ये ऐसे काउंटर रहे जो कि 3% से 2% का गोता नीचे मारते हुए नजर आए। अब किन स्टॉक्स में आपको कल करना है फोकस, उनकी यहां पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आपको इस समय अभी डेरिवेटिव डेटा में ये क्लियर एक इंडिकेशन मिल रहा है कि निफ्टी में 19,300 पे OI जिस हिसाब से डेवलप हो रहे हैं वो एक अच्छा स्ट्रांग सपोर्ट के नजरिए से काम करेगा, लेकिन अब 19,550 अभी भी एक रेजिस्टेंस यहां पर बना हुआ है, कॉल राइटिंग प्रॉपर यहां पर देखने को मिल रही है, तो ऐसे में आपको स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट पे फोकस करना है। आज सबसे पहले चर्चा करते हैं कि किन स्टॉक से आपको दूरी बनानी है, फिर बाद में चर्चा करेंगे कि बाय कौन से करने हैं। आईपुल हाउसिंग को मैंने बताया, जिससे कि आपको दूरी बनाकर रखनी, 120 का लेवल क्लोज हुआ है, लेकिन ये अभी 110 तक के लक्ष्य दिखा सकता है, 10% की गिरावट अभी यहां से देखने को मिल सकती है, तो यहां पर दूरी बनाकर रखें। साथ ही एक्सचेंज रिलेटेड शेयर में BSE से आप काउंटर से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि 736 रुपए क्लोजिंग हुआ है, लेकिन अभी भी डाउन और जा सकता है और 720 के लेवल यहां पर देखने को मिलेंगे। साथ ही यहां पर ग्रेनुअल से भी दूरी बनाकर रखें, 302 का क्लोजिंग है, अभी भी 285 और 280 के लक्ष्य यहां पर आ सकते हैं, तो इसमें भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, तो थोड़ा सा ऊपरी लेवल से यहां पर दबाव तो बनता रहेगा। अब बात कर लेते किन स्टॉक्स में फोकस करना है। देखिए IT में जरूर आज पॉजिटिव यहां पर ट्रेंड रहा, लेकिन अभी भी IT पे बहुत भरोसा नहीं जताया जा सकता, इसलिए इन स्टॉक्स में स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट पे फोकस करें। बिरला सॉफ्ट पे आप बाय कर सकते हैं, 362 रुपए का क्लोजिंग है, टारगेट होगा 380 रुपए का, स्टॉप लॉस होगा 355 रुपए का। साथ ही डेटा पैटर्न पे यहाँ पर फोकस करें, 2100 का क्लोजिंग लगभग है और अभी भी टारगेट अपसाइड के लिए 2150 के लेवल देखने को मिल सकते हैं 2070 के स्टॉप लॉस से। साथ ही गोदरेज प्रॉपर्टीज को यहाँ पर फोकस किया जा सकता है, 1628 का क्लोजिंग है, यहाँ से 1650 के लक्ष्य आ सकते हैं, स्टॉप लॉस देखते हैं तो 1615 के स्टॉप लॉस से आप इसको बाय करके चल सकते हैं। तो कल के लिए फोकस यहां पर रखिए, निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव नोट पर ही रहेगा, ज्यादातर स्टॉक्स में आपको पॉजिटिव सेंटिमेंट यहां पर देखने को मिल सकते हैं।